नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सकुल परे है और आज हम आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं जो कि वोकैब से रिलेटेड है। यहाँ पे आप कुछ वर्ड देख रहे हैं जो कि आपने वर्ड देखे हों कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में, आजकल न्यूज़पेपर में भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इन सारे शब्दों को, इन सारी वोकैब को अपन वन बाय वन देखेंगे, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे जो पहला वर्ड है वो है आउटब्रेक। आउटब्रेक का हिंदी में मीन्स होता है प्रकोप, मतलब कोई चीज़ अपनी इनिशियली स्टेज पर होना, अपने शुरुआती दौर पर होना, अचानक से हो जाना और वो चीज़ किसी स्पेसिफिक स्थान पर, किसी स्पेसिफिक एरिया पर हुई हो, उसे बोलते हैं आउटब्रेक। जो नेक्स्ट वर्ड है वो होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का हिंदी में मीन्स होता है महामारी, मतलब एक ही समय में वो जो बीमारी है, वो जो रोग है, वो बहुत बड़ी संख्या में लोग उससे पीड़ित हो गए हैं और वो जो बीमारी है वो अनकंट्रोल है, कंट्रोल नहीं की जा रही है और वो किसी खास एरिया को पकड़ के रखी हो, जकड़ के रखी हुई है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पैंडेमिक। पैंडेमिक का हिंदी में होता है सर्वव्यापी महामारी और यह जो होती है बीमारी वह जियोग्राफिकल एरिया में होती है, मतलब ये बीमारी जो रहती है वो कंट्री में वेरी करती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हो सकती है, ये पूरे एरिया को कैप्चर करके रखती है या पूरी कंट्री को कैप्चर करके रख लेती है। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंटेजियस। जो बीमारी होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो क्या है हवा के द्वारा फैलती है, एक जो फैलती है वो एक दूसरे को टच करने से फैलती है। तो जो पहला वर्ड है वो है कंटेजियस। कंटेजियस मतलब होता है ऐसी बीमारी जो टच करने से फैले, और जैसे अपन बोल सकते हैं कि अगर कोई ट्रेन में सामने वाले को कोई बीमारी है और वो बीमारी अपन में आ जाए किसके थ्रू, टच करने से, तो उसे बोलते हैं कंटेजियस। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस मतलब होता है कोई बीमारी श्वास के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा हो, तो उसे बोलते हैं इन्फेक्टियस। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फोमाइट। फोमाइट मतलब होता है कोई बीमारी ऑब्जेक्ट के थ्रू फैले, जैसे अगर किसी के हाथ में पेन है और वो जो व्यक्ति है वो किसी बीमारी से पीड़ित है और वो बीमारी पेन के थ्रू जो सामने वाले पर्सन को वो पेन देगा और वो बीमारी उसमें हो जाए, तो उसे बोलते हैं फोमाइट। जो नेक्स्ट वर्ड है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब होता है, मतलब बीमारी का अपन को बताना है कि वो बीमारी टच करने से फैली हुई है या हवा के द्वारा फैली हुई है, तो उसे बोलते हैं कम्युनिटी स्प्रेड। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सेल्फ क्वारंटीन। सेल्फ क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को पता है कि मुझे वो बीमारी है, तो वो अपने आप को रूम के अंदर लॉक कर ले और वो दुनिया से या अपने जो आसपास के लोगों हैं वो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रख ले, उसे बोलते हैं सेल्फ क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब होता है जब प्रशासन या सरकार जब आपको अस्पताल में रखे या ऐसी जगह पर रखे जहाँ से वो चीज़ किसी दूसरे में ना फैले या वो बीमारी किसी दूसरे पर्सन में ना फैले, तो उसे बोलते हैं क्वारंटीन। जो नेक्स्ट वर्ड है इंडेक्स केस और इंडेक्स पेशेंट और इंडेक्स जीरो। ये तीनों वर्ड जो हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जैसे इंडेक्स केस का मतलब होता है जो वो बीमारी है सबसे पहले कब रिपोर्ट दर्ज की गई, और जो इंडेक्स पेशेंट है सबसे पहले जिस व्यक्ति में रिपोर्ट